सोचा नहीं क्यों ये तुमने, सोचा नहीं क्यों ये तुमने, किसी की मोहब्बत रो रही है। दो पहाड़ों के दरमियाँ हंसी वादियों के नजारे हैं। दो पहाड़ों के द आ दो तीन आ दो दो पहाड़ों के दरमियाँ। ये गाना मेरे दिलो दिमाग पर क्यों छा गया? ये गाना हशमत दादा को कितना पसंद था ना। हशमत दादा कहाँ हैं आप? हाँ, याद है कि हशमत दादा मेरे होठों के बारे में क्या कहते थे? तुम्हारे होठ तुम्हारे मुंह का दरवाजा है। What? ये क्या कर रही हूँ मैं? किसी ने देख लिया तो पागल समझेगा मुझे। हाँ, आ जाना तेरा इंतजार है, आ जाना तेरा इंतजार है, तेरे इंतजार में। नीचे आओ, कहा ना नीचे उतरो। ये क्या हो रहा है? क्या हो गया है? मसला क्या है तुम्हारे साथ? क्या कर रहा था तू ऊपर? मार मार कर पंखे की जगह छत से टांग दूंगा तुम्हें। दोबारा यहां नजर मत आना, दफा हो जाओ। ए, हयात के बड़े भाई, ये जगह मेरी है, क्या कर रहे हो? वो दरअसल ये आदमी आपको गलत नजरों से देख रहा था। भाई कैसी बातें कर रहे हो, वो मेरी छोटी बहन की जगह है। ठीक है, आप चुप रहें। सच कह रहा हूं आपसे, बुरी नजर थी इसकी आप पर, आपके कपड़ों की वजह से। वैसे इन जैसे लोगों की वजह से हम जैसे शरीफ लोग भी बदनाम हो जाते हैं। चलो ठीक है, ये मुझे घूर रहा था क्योंकि मैं खूबसूरत ही इतनी हूँ, लेकिन तुम्हें तो नजर नहीं आता ना। देख सकता हूँ, यहाँ आते आते एकदम सब कुछ नजर आने लगा है मुझे। आपको फिर बता रहा हूँ मैं, ये आपके कपड़ों की वजह से आपको घूर रहा था। आप भी अपने कपड़ों का कुछ ख्याल किया करें। वो स्टॉप, हयात के बड़े भाई हो ना तुम जानते हो ना इस वक्त किससे बात कर रहे हो। मैंने हयात का स्टाइल अच्छी तरह से देखा है। भाई छोड़े, मुझे और भी काम है, दफा हो जाओ यहाँ से। टूअल जी, ये टैक्सी मैंने मंगवाई है। अब तुमने मिस कर दी है टैक्सी। बेबी मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, क्यों ना पहले साथ डिनर कर लें। नो थैंक्स टू वी, यार हम पुराने दोस्त हैं और तुम ही ने तो बताया था कि मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है, तो मैं वही कर रहा हूँ टू वी। झूठे हो तुम आशिक नहीं खपती हो। सब कुछ पाने के लिए जो तुमने किया, उस वजह से मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत भर गई है। टू वी, तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती और ना ही नफरत कर सकती हो, समझी तुम? पागल हो गए हो क्या? लड़की से ऐसे बात करते हैं? ये जानवर कौन है यार? तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? हाँ, तो जानना चाहोगे कि मैं कौन हूँ? अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। हाँ, ये क्या किया है तुमने? ये बीच रास्ते में तुमसे बदतमीजी कर रहा है। आखिर तुम होते कौन हो? क्या मैंने तुमसे मदद मांगी थी? अपनी हिफाजत करना जानती हूँ मैं। एमरे, अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। कौन एमरे? जिसने यहाँ के शेयर्स खरीदे हैं? यप, हाँ वही एमरे जो तुम्हें नौकरी से निकालता है। आइंदा तुम यहाँ काम नहीं करोगे, समझे? तुम मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकते। वजह? क्योंकि मैं यहाँ काम ही नहीं करता। अकल इस्तेमाल करो अकल, वो घास चढ़ने गई है क्या? मेरा इंतजार कर रहे हो पागलों की तरह? मैं क्यों करूंगा तुम्हारा इंतजार, मैं तो लिफ्ट का इंतजार कर रहा हूं। तो लीजिए, लेकिन ये लिफ्ट तो कब से यहीं खड़ी है। अच्छा, लेकिन मैंने तो दबाया था इसे। Thank you.
कल रात वाला सीन भूल जाना प्लीज। कल रात क्या हुआ था? कल रात शाबाश, ऐसे ही पागल हो गई है। कल रात का सीन भी भूलने वाला है? अरे हो सकता है लिफ्ट में कोई मसला हो क्या? चल जाएगी। ये चल क्यों नहीं रही? मुझे भी अंधेरा और बंद जगह पसंद नहीं है अपनी बहन की तरह। तुम्हें पता है बचपन में हम दोनों बहन भाई बहुत झूला झूलते थे एक साथ। हाँ। और मैं हयात को बहुत तेज तेज झुलाता था और वो कभी कभी झूले से गिर जाती थी और फिर मैं झूलता था और अगर मैं झूलते हुए गिर जाता था हयात मेरा बहुत मजाक उड़ाती थी। बस बहुत हुआ और बकवास नहीं, ये लिफ्ट क्यों नहीं चल रही? लिफ्ट जल्दी से ये लिफ्ट खुलवा दो, मेरा दम घुट रहा है। सांस नहीं आ रही है मुझे। हाँ सांस नहीं आ रही, मेरा दम घुट रहा है, गला दबा रहा है कोई मेरा, सांस नहीं आ रही। हौसला रखो, चल जाएगी अभी। आज नहीं बचूंगा, मैं नहीं बचूंगा आज। आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है। ताजा हवा चाहिए मुझे। ठीक है, तुम रिलैक्स हो जाओ। उठाए बा मिस टूअल, फिकर ना करें, मैंने टेक्नीशियन को कॉल कर दी है, वो थोड़ी देर में पहुंच जाएगा। ये काम मेरे बस से बाहर है, फिकर ना करें, हम आपको निकाल लेंगे। ये देखा तुमने, गार्ड को पता चल गया, अब वो हमें आके निकाल लेगा। लेकिन मैं अभी खड़ा नहीं हो सकता, मुझे यहाँ लेटा रहने दो मुझे यहाँ। अगर मैं खड़ा हुआ तो मर जाऊंगा। ठीक है, तुम हौसला रखो और गहरी गहरी सांस लो ताकि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिले। क्या कहा, ऑक्सीजन कम हो रही है? नो, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, वो देखो। हाँ, कितनी प्यारी प्यारी तितलियाँ हैं, रंग बिरंगी तितलियाँ जोर जोर से सांस ले रही हैं। ला 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 ला, सब ठीक हो गया। ला 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 ला, सुकून आ गया। ला 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 ला, अब हम दोनों बाहर निकल जाएंगे। ए ए ए ट्वेल मैडम, अब गाना बंद ना करें, ऐसा लग रहा है जैसे मौत की गोद में लोरी सुन रहा हूँ। पागल हो जाऊंगी मैं। गाना गाएं मैडम, चुप ना रहे। प्यारी परी कहाँ हो, यहाँ आकर मेरी मदद करो, तुम्हारी माँ इस वक्त बहुत मुश्किल में है। कौन सी परी आ गई? वही जो मेरे दिमाग में है, उसने मुझे पकड़ रखा है, पकड़ा हुआ है। SOS, help, help! अब तो परी अभी आ गई है, जल्दी लिफ्ट चलाओ, मैं पागल हो जाऊंगा। अगर मैं यहाँ मर गया तो तुम कैसे उठाओगी? तुमसे तो मेरी लाश भी नहीं उठेगी। तो कोई ऐसा भी तो जो मेरी लाश उठा ले, लगता है ये मेरी कब्र बन जाएगी आज। ये मुझे यहाँ मार देगा, मर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी यहाँ पे। कोई मुझे निकाले, निकालो बाहर प्लीज, निकालो, कोई यहाँ से मुझे निकाले, निकालो। निकालो यहाँ से मुझे। अम्मी, मेरा आखिरी वक्त आ गया है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चल गई लिफ्ट। चलिए मुझे दो। अच्छा खासा सच्चा इंसान था मैं और साथ साथ ईमानदार भी, पता नहीं इतना बड़ा झूठ कैसे बोल दिया मैंने, और झूठ भी इतना बड़ा, अपनी बहन के बारे में बोल दिया मैंने। इतना बड़ा झूठ बोला है लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। वहां मेरा बेटा अकेला है और यहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं। या अल्लाह, कहाँ फंस गया मैं? Hey you, come here. किसको बुला रही है ये? इधर आओ ना। ओ, ये तो मुझसे बात कर रही है। ये क्या टोल मैडम, इतने सारे बैग्स? ये मेरे पड़ोस के बच्चों के लिए है।
कल मैंने देखा कि किसी के पास कोट नहीं है, किसी के पास पैंट नहीं है, तो मैंने सोचा कि उनके लिए शॉपिंग कर लूं। वो बच्चे आपके जानने वाले हैं? नो, पहली बार देखा है सबको। क्या बात है लाल भाल वाली की, ऊपर से सख्त है लेकिन अंदर से मोम की तरह नर्म है। आपको बच्चे बहुत पसंद है ना? बच्चे किसको पसंद नहीं होते, दुनिया के सभी बच्चों से मोहब्बत है मुझे। हाँ। इसने तो और ज्यादा मेरे दिल में जगह कर ली, अगर इससे शादी हो गई तो ये तो मेरा बच्चा भी संभाल लेगी। क्या बात है, एक तीर से दो शिकार कर लूंगा मैं। क्या हुआ, घूर क्यों रहे हो? आप मुझसे शादी करेंगी? What? Yes, yes, हाँ बिल्कुल करूंगी मैं। जाओ, सब जाओ यहाँ से, मैं शादी कर रही हूँ, शादी। आप खुश हैं? दिमाग चल गया? मिस्टर बेवकूफी की भी हद होती है।